तो इसीलिए जो मैं आज आपको एक खाद का बता रहा हूँ, जो खाद अगर आप प्रयोग करेंगे अपने पौधों में तो बहुत बढ़िया फूल, जैसे कि मेरे गार्डन में फूल खिलने हैं, वैसे ही आपके भी गार्डन में बहुत बढ़िया फूल खिलेंगे। इस खाद के प्रयोग से आपके जितनी भी पौधों की ग्रोथ भी रुकी हुई होती है वो भी बहुत बढ़िया स्टार्ट हो जाती है, उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और आपके जो फूल वगैरह हैं वो बढ़िया खिलते हैं। इस समय जो पाला पड़ता है उससे फूल जो है वो बहुत ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, फूल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी आप गुलाब के फूल देखें, कोई भी, इस समय जो पाला पड़ता है उसकी वजह से उसमें पानी भर जाता है कलियों में, फूल में, तो उससे फंगस आने से वो फूल ख़राब हो जाते हैं। अगर आप इस खाद का प्रयोग करेंगे तो ये पौधों को गर्मी देगी, गर्मी से जो है उसमें फंगस आने का भी डर कम रहता है और पौधों में बढ़िया फ्लावरिंग वगैरह होती है। ये खाद जो है ऑर्गेनिक है, जिससे कि आपके जो जितना भी गार्डन है उसमें बीज वगैरह, जितनी आपकी बढ़िया जो बटरफ्लाई, जितने अच्छे कीट होते हैं जो गार्डन के लिए, वो आते रहेंगे और जो आपकी जो पौधों की ग्रोथ है वो बढ़िया होगी। इस खाद का प्रयोग आप रेगुलर तरीके से करेंगे तो आपका गार्डन फूलों से महका रहेगा। विंटर फ्लावर के लिए जो ये खाद है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जाड़ों के दिनों में जो फूल होते हैं उनको थोड़ा सा गर्मी अगर दे दी जाए, इससे जो पाला वाला पड़ता है उसकी वजह से जो स्ट्रेस में आ जाते हैं पौधे, फ्लावरिंग नहीं दे पाते अपनी बढ़िया से, वो इस खाद के प्रयोग से बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपके गार्डन में होने लगी जाएगी और आपके फूलों की जो जो गार्डन का लुक है वो फूलों की वजह से बहुत अच्छा आ जाएगा। दोस्तों ये जो खाद मैं बता रहा हूँ, जो अगर आपके पौधे की जो ग्रोथ रुक जाती है या जो उनमें ग्रोथ नहीं होती है, फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्रूटिंग नहीं होती है, इस खाद का अगर प्रयोग करेंगे तो उनमें ये जाड़ों के दिनों में भी अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको ये गोबर की जो है फुली डिकम्पोज खाद। अगर आप कच्ची खाद लेंगे तो उससे पौधे ख़राब हो सकते हैं, आप फुली डिकम्पोज गोबर की खाद लीजिए। और ये देखिए यह है गुड़, गुड़ ज़रूर लीजिए, गुड़ में बहुत पोषक तत्व होते हैं जो हम लोगों के साथ साथ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इसका प्रयोग हम पौधों में करेंगे पौधे स्ट्रेस में नहीं आएंगे। गुड़ का काम एक ही हो गया इसमें, पोटेशियम हो गया और जो कैल्शियम वगैरह जितनी जो न्यूट्रिएंट्स पौधों को चाहिए होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब उससे पूर्ति हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि गुड़ डालने से जो है मीठा होता है, चींटियाँ लगती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुड़ का हम प्रयोग अलग तरीके से करेंगे तो उससे चींटियाँ नहीं लगेंगी। एक तो आपको चाहिए गोबर की खाद और एक गुड़, गुड़ थोड़ा ही चाहिए। और आपको इसमें देखिए ये जो है नीम खली, ये देखिए ये नीम खली इतनी मात्रा में चाहिए, करीब 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 15 से 20 ग्राम नीम खली चाहिए, ये नीम खली। और आपको चाहिए मस्टर्ड केक, मस्टर्ड केक जो होता है उसका जो मैं पाउडर बनाया है पाउडर फॉर्म में ही ले लीजिए आप, या जैसा भी आपके पास साबुत है वो ले लीजिए मस्टर्ड केक की। ये गर्मियों के लिए और जाड़ों के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद खाद है। तो आप देखिए एक बकेट में पानी लेंगे, जितना भी आपको जितने पौधे हैं आपके उस हिसाब से आप पानी ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ करीब 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी में आप थोड़ा गोबर की जो है खाद मिलाइए, गोबर की खाद आपने इतनी मिलानी है जितनी कि आपके पौधों के लिए ज़रूरी हो। गोबर की खाद अगर आप ज़्यादा भी मिला देते हैं कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और इसमें देखिए गुड़ डालिए, ये बकेट पानी में जो है गुड़ भी डाल दीजिए आप, इतना ही लीजिए गुड़, करीब करीब 20 ग्राम, 20 ग्राम गुड़ लेंगे, इसको आप इसमें मिला लेंगे, जो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद इसमें डालिए आप ये देखिए नीम खली, नीम खली इसमें थोड़ी मात्रा में डालनी है, नीम खली से क्या होता है फंगस नहीं आता है पौधों में, नीम खली डाल दी। एक तो जो है गोबर की खाद, गोबर की खाद होगी, और आपने गुड़ की एक गुड़ का हिस्सा लेना है थोड़ा सा, करीब करीब 20 ग्राम गुड़ लेना है और नीम खली भी 10 से 20 ग्राम नीम खली लेनी है और मस्टर्ड केक, ये चार चीज़ें आप इसमें यूज करेंगे। ये खाद जो है गर्म खाद होती है, ये पौधों के लिए जाड़ों के लिए बहुत बढ़िया खाद है। इससे ये जो आपने खाद बनाई है इसको अच्छे से ऐसे करके मिला लीजिए, इसको मिलाने के बाद आप कोई भी चीज़ से ढककर, कोई कपड़े से या किसी भी ज़्यादा टाइट
टाइट नहीं ढकना है, इसको ढक के आप छाया वाले स्थान में रख दीजिए और इसको हर सुबह शाम 8-10 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों मिलाते रहिए, जिससे कि ये जल्दी डिकम्पोज होगी और इसके जितने न्यूट्रिशंस हैं वो पानी में अच्छे से मिल जाएंगे। इसको आप खाद को आप छाया वाले स्थान में रख दीजिए और 3 दिन बाद इसको यूज करेंगे। लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप ये खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके संग कोई और दूसरी केमिकल खाद का यूज़ ना करें, क्योंकि केमिकल खाद का यूज़ करेंगे तो ये जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक खाद है इसका जो उसमें पौधों में जो असर होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि केमिकल खाद से जो मिट्टी है उसकी वो ख़राब हो सकती है। और आप इस खाद को, एक चीज़ और है, आप इस खाद को जब बनाते हैं तो अगर थोड़ा सा गुनगुना पानी हो, अगर हल्का सा गर्म हल्का गुनगुना पानी हो उसमें तैयार करेंगे तो ये जल्दी तैयार हो जाएगी और इसके न्यूट्रिशन जल्दी उसमें घुल जाएंगे। तो अगर आप इस खाद का प्रयोग करोगे और अपने जो पौधों में जो ग्रोथ देखोगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। और अगर आपको इस खाद के प्रयोग करने के बाद अगर कुछ क्वेरीज वगैरह होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं आपका जो क्वेरीज हैं उनको दूर करूँगा। धन्यवाद।